मॉर्निंग गाइस, गला अभी भी ख़राब है लेकिन हिम्मत हिम्मत अभी भी पूरी है। तबीयत ठीक होके रहेगी। कोरोना किट अभी भी चल रही है, इस पर बहुत जल्द रिव्यू वीडियो बनाऊंगा कि इसने कैसे इफेक्ट किया है। आज कुछ होने वाला है, कुछ स्पेशल है और कुछ सैड न्यूज़ भी है, तो दोनों चीज़ होने वाली है। तो प्लीज़ बने रहे पूरे वीडियो में, और वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आटा तो फाइनली मॉम डैड गुजरात के लिए निकल गए। अकेला हो जाऊंगा, अभी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, बट क्या करें, जाना पड़ेगा। क्योंकि बड़े पापा की जो डेथ हुई थी सडन, तो उसका 12वीं 13वीं का जो पूजा होता है उसके लिए निकल गए। अभी तो मैं अकेला हो जाऊंगा। बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, बट ज़िंदगी यही है, कभी अकेले रहना ही पड़ता है। और उसकी वजह से टकलू भी कराना पड़ा। पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करना। और मिलता हूँ फिर थोड़ी देर के बाद, अभी तो सोना बाकी है मुझे, क्योंकि कल पूरी रात पैकिंग करने में और उसमें टाइम निकल गया, तो अभी थोड़ा सोना पड़ेगा। तो फिर सो के उठ के मिलता हूँ फिर। One eternity later. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बहुत नींद आई है, सॉरी 2-3 दिन ब्लॉग नहीं कर पाया, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो आ गया वापस। एक्चुअली क्या हो गया ना, मॉम डैड के जाने के बाद 3 दिन इतना सोया हो ना कि मतलब सोते ही रहो समझ लो। और इशू ऐसा हो गया ना कि लाइक बॉडी नींद में चाह रही थी तो मैंने दे दी। और दूसरी बात ये है कि अब आ गए वो लोग कल, तो अब अच्छा लग रहा है। और आज धूप भी निकली है, तो धूप की वजह से और भी एनर्जी आ गई है, तो अब अच्छा लग रहा है। लेट्स सी कैसा जाता है और आगे का दिन। बात बतानी थी, ये जो नई हेयर स्टाइल है ना, इसकी वजह से बहुत हल्का लग रहा है, बहुत खाली खाली लग रहा है, और ऐसा लग रहा है ना कि हवा यहाँ से निकल के यहाँ जा रही है, पंखे की हवा भी फील नहीं हो रही है, तो बहुत मस्त लग रहा है। आपको कैसा लगा नया हेयर स्टाइल प्लीज़ कमेंट करना नीचे। जैसा लग रहा हूँ टकलो होने के बाद। नहीं नहीं, गुंडा नहीं है, अच्छा है मेरा लड़का। मोटा लग रहा हूँ। इसको लगता है कि मैं बाहर निकालने के बाद मोटा लग रहा हूँ। ये जो अंकल दिख रहे हैं ना, ये अभी गणपति के लिए वो दुर्वा निकाल रहे हैं, बहुत क्यूट कपल है। और यहाँ पे मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही है, और यहाँ पे धूप निकली हुई है मस्त वाली। आई होप यू एंजॉय द धूप। देखो बारिश में ना क्या होता है ना, इतने टाइम के बाद धूप निकली है ना, ये अच्छा लग रहा है। तो आप भी ट्राई करो यार, बारिश के बाद अगर धूप निकले तो थोड़ा बाहर निकलो गार्डन में। पीछे से बच्चे की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ा बाहर निकलो धूप में, अच्छा लगता है, फ्रेशनेस आती है। और क्या होता है ना, थोड़ा घास में नंगे पाँव भी चलना चाहिए, मस्त लगता है। सो हो गया थोड़ी देर बैठ के। अभी पता है मुझे लगता है ना, सबसे बेस्ट लाइफ इनकी होती है, बिना स्ट्रेस के खेलते। स्कूल तो अभी चालू ही नहीं है, पता नहीं स्कूल इन लोग की कब चालू होने वाली है, तो मज़े कर रहे हैं। सो दिन ख़त्म हो चुका है और मैं एक वेब सीरीज़ देख रहा हूँ, 13 Reasons Why, बहुत अच्छी सस्पेंस थ्रिलर सीरीज़ है। तो प्लीज़ अगर आपके पास अगर नेटफ्लिक्स अकाउंट है तो उसे देखने के लिए रिकमेंड करूँगा। और बस यहीं तक का था आज का दिन, थोड़ा घर पे ही है तो कुछ इंटरेस्टिंग मिल रहा नहीं है ब्लॉग करने के लिए। ट्राई करूँगा कुछ नया दिखाने की। तो टिल दैट, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर, ठीक है। एंड सॉरी थोड़ा अभी भी कैमरा शायद टाइम लगता है ना इन सब चीज़ों को। गुड नाइट।